बूथ जीतो चुनाव जीतो के तहत पप्पू खान के द्वारा वार्ड संख्या 29 और 28 में बनाया गया बूथ कमेटी, भारी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। पूर्व विधायक पप्पू खान के द्वारा बूथ जीतो चुनाव जीतो के तहत बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में चलाए जा रहे बूथ कमेटी अभियान के तहत पप्पू खान वार्ड संख्या 29 और 28 पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में उक्त मोहल्ला के लोग उपस्थित थे और बैगनाबाद मोहल्ला समेत वार्ड संख्या 29 और 28 में बूथ कमेटी बनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि बूथ कमेटी हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि विधानसभा 2025 में चुनाव होने वाला है, उसमें बिहार शरीफ विधानसभा में हमारी जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस तरह वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। इस अवसर पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया और भारी संख्या में युवा वर्ग के लोग उपस्थित थे। देखिए, वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 29 के नौजवान और बुजुर्ग सब लोगों की मौजूदगी में आज यहाँ बूथ कमेटी का निर्माण किया गया। लगभग दोनों वार्ड मिला के 10 बूथ यहाँ पर है, तो 10 बूथ की कमेटी कन्वेनर के साथ बन गई है। और जो एजेंडा आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारा 2-3 मुख्य एजेंडा है कि जो नौजवान और जो लड़कियां 18 साल की हो चुकी हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो BLO से मिल करके हमारे जो बूथ कमेटी के लोग हैं, हमारे जो कन्वेनर और मेंबर बनाए गए हैं, इन लोगों की जवाबदेही है कि सब नौजवानों का नाम, बच्चे हों या बच्चियां, उनका बूथ कमेटी में, ये वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया जाए। ये हमारा जोर है इन कामों पर, इसमें हम लगे हुए हैं। और दूसरा एजेंडा के जो पोलिंग रेशियो है, जो वार्ड के चुनाव में जहां 60-70% पोलिंग होती है हर बूथ पर, वही MLA के चुनाव में ये पोलिंग रेशियो चला जाता है 40%। ये दुखद बात है, जिसके चलते हम चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का। तो ये चुनाव जीत हमारी सुनिश्चित हो, इसके लिए पोलिंग रेशियो हमारा कम से कम 60-70% हो, इस पर भी हमारा कड़ा जोर है। इसके लिए भी हम लगे हुए हैं, अपने लोगों को, बूथ कमेटी के लोगों को, कन्वेनर साहब लोगों को और आम कार्यकर्ता और नेतागण को कि आप लोग इसमें पहल कीजिए, आगे बढ़िए और पोलिंग रेशियो को वार्ड काउंसलर के चुनाव के तर्ज पर, मुखिया के चुनाव के तर्ज पर आप लोग पोलिंग रेशियो को बढ़ाइए, ताकि हमारे विधानसभा में जो हमारी जो चुनाव होती है उसकी जीत सुनिश्चित हो। देखा जा रहा है कि युवा वर्ग के लोग जब आप जहां जा रहे हैं काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, क्या बात है? सब लोगों से हम जुड़े हुए हैं। हम कोई बरसाती मेंढक के तरह तो राजनीति करते नहीं हैं कि बरसात आया तो निकल कर टर टर करना शुरू किए। हम तो 5 वर्ष लगातार समाज से जुड़े रहते हैं, सबके दुख और सुख में हम शामिल रहते हैं। शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, जीनी हो, हर चीज़ में हम इन लोगों के साथ रहते हैं। तो हमारा लगाव पारिवारिक है, ना कि कोई नेता का और जनता का। हमारा संबंध जो है लोगों से पारिवारिक है, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की जनता से। तो इन लोगों में उत्साह है, प्यार है। उद्देश्य यही था कि मेन था कि बूथ की कमेटी बनाना और कन्वेनर बनाना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को नाम, जो 18 साल प्लस हो चुके हैं उनका नाम जोड़ना, और जो भी बड़े बुजुर्ग का नाम किसी कारणवश विलोपन हो गया है, यानी मतदाता सूची से नाम हट गया है, उनको जोड़ना। इसलिए इस मीटिंग की जो है, इस मीटिंग को रखा गया और बाकी सभी लोगों को बता ही दिया गया है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जोड़ेंगे, जो भी बच्ची या बच्चा 18 प्लस हो चुके हैं उनका नाम जो है मैंने जोड़ा जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम, मोहल्ला दायरा, वार्ड नंबर 29। कन्वेनर बनाने के लिए आए हैं, जिसको जोड़ रहे हैं सबको, सब लोग, हम लोग भी जोड़ेंगे, जिसका जिसका वोटर लिस्ट पे नाम नहीं चढ़ा है। आप लोग का युवाओं का समर्थन मिल रहा है? युवाओं का समर्थन बहुत अच्छा है RJD के लिए, जितना भी युवा है RJD में जुड़ना चाहते हैं।